हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। वैसे मैं तो ठीक ही हूँ। खैर, यहाँ पर आज का ये सीन होता है कि भाई, यहाँ पर ये जो हमारे चार नंबर होते हैं ना, शायद ये यूट्यूबर होते हैं। इसका सबूत पहले यहाँ पर तुम सुनो। ये बोलता है, मतलब आपस में ही बोलते हैं लोग। भाई भाई, ये चैनल पर यूट्यूबर है भाई। चैनल नंबर यूट्यूबर है भाई, ये 3 नंबर यूट्यूबर है। 3 नंबर भाई, यूट्यूब चैनल है इसका। तो गाइस, जैसा कि तुमने यहाँ पर सुना कि चार नंबर कह रहा है कि भाई 3 नंबर यूट्यूबर है, और 3 नंबर कह रहा है कि 4 नंबर यूट्यूबर है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार, क्या मैं यहाँ पर घास काटने आया हूँ फिर? तो फिर मैंने सोचा, चलो यार, यही यूट्यूबर सही, तो चलो बढ़िया है, फिर अच्छी बात है। तो मैं इसके साथ साथ फिर यहाँ से प्लेन से उतरे, और प्लेन से उतरने के बाद भाई उतरे तो पोचंकी में, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया था। तो सीधा गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ निकल गए, और जैसे अपार्टमेंट की तरफ से जा रहे थे तो गोली चलने की आवाज़ आती है। और फिर अब गाड़ी से आने के बाद यहाँ पर भाई इनका एक बंदा होता है, जिसके फुटस्टेप यहाँ पर आपने सुने लिए होंगे। बाकी के इनके बंदे सामने वाले अपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर भैया जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो मेरी किल को टपा लेते हैं। किल टपा लिया, ये कहने से मेरा मतलब है कि अगर यार ये ऐसे मेरी किल कम करता रहेगा तो यार यहाँ पर मेरी वीडियो तो बनने से रह गई थी। तो इसके बाद खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद मैं खिड़की पर जाता हूँ, और भाई मैंने सोचा चलो बाकी के किल तो शायद मुझे ही मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ आगे की तरफ। वो भाई चलो पूछ पर नहीं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ, तो ये लोग कहते हैं कि भाई पुश करो पुश करो। तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, वरना यहाँ पर भी ये लोग मेरी किल कम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेट फेंकता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मेरी एक और किल कम होते हुए। डैडी डैडी हाल लगाओ, डैडी हाल लगाओ। तो गाइस, इसे यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर जल्दबाजी में रहोगे तो पेटी बनेगी। यूट्यूबर भैया ऊपर की तरफ जाते हैं कि सारी पेटी तो मैं ही बना दूंगा, आखिरकार मैं ही तो यहाँ पर यूट्यूबर ठहरा। तो भाई ऊपर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हाथ लगा हाथ लगा, लेकिन उनकी यहाँ पर मदद कोई भी नहीं कर पाता। और कुल मिला करके इस चक्कर में मुझे भी यहाँ पर एक ही किल नसीब होती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसके आगे जितनी भी किल मिलनी थी ना, वो मुझे ही नसीब होनी थी। तो इसके बाद खैर यहाँ पर कुछ बॉट मिलता है, उनकी पेटी बनाते हैं, और उसके बाद आगे की तरफ ना फ्लेयर चली होती है। तो गाड़ी को लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं, और एक बंदा मुझे आगे की तरफ दिखता है, लेकिन 4 नंबर फिर उंगली करने लग जाता है कि उसे मारना मारना। मैंने कहा कि यार सही मौके के इंतजार नाम की भी कोई चीज होती है। यार भाई एक नंबर मार दिया, एक नंबर तू अब जैसे ही इस बंदे को नॉकआउट करता, तो इसके दो बंदे भाई बग्घी को लेकर के आ जाते हैं इसको बचाने के लिए। तो इतने में मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि ये 4 नंबर भैया फिर से चालू हो जाते हैं कि भाई उसे मारना मारना। मैंने कहा कि भाई बंदे को अच्छे से एक्सपोज तो होने दो यार, मतलब जब एक्सपोज ही नहीं होगा तो पेटी कैसे बन जाएगी। गाड़ी आया, गाड़ी आया, गाड़ी आया। अरे बग्घी को गाड़ी भी कहते हैं यार, मुझे पता नहीं था। मार भाई उड़ा, सामने सामने मार यार। अब यहाँ पर एक बंदे की पेटी डाल दी, और दूसरा वाला भी नॉकआउट, और तीसरा वाला बच के निकल जाता है। खैर यहाँ पर 4 नंबर कहता है कि भाई उसे मारना मारना, और इस जल्दबाजी में वो बच के निकल जाता है, लेकिन वो कितनी देर बचेगा। खैर यहाँ पर मैं पड़ोसियों के फ्लेयर को लूटने आता हूँ कि इतने में 2 नंबर नॉकआउट हो जाता है। Watch out! Watch out! Watch out! अब ये वॉच आउट करता तो मैं आगे देखता हूँ। अब 2 नंबर को बचा तो नहीं पाया, और यहाँ पर वो बंदा हाइड कर जाता। तो मैं सोचता हूँ कि जब तक इस बंदे को लपेट लेता है जो कि इधर है, लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना कि मतलब क्या ही बताऊँ यार। मैंने एक पल के लिए सोचा यार गेम ही तो है यार, खेल ले यार, मतलब इतना क्यों डर रहा है। अरे भाई उसे मारा 3 नंबर को।
अब जैसे कि यहाँ पर तुमने देखा कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि क्या ही बताऊं, मैं फ्री फायर देता रहता हूँ लेकिन बंदा आखिरकार निकलता ही नहीं। मैं अंदर भी जाता हूँ उसके बाद इसकी पेटी भी बना देता हूँ लेकिन बंदा निकलने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा कि यार मतलब इतना ज्यादा भी क्या डरने का, मैंने इससे ज्यादा डरा हुआ बंदा देखा भी नहीं भाई, इससे बढ़िया कोशिश कर लेता क्या पता मेरी पेटी बनाई जाता। खैर इतने में यहाँ पर 3 नंबर नॉकआउट हो जाता और उसके बाद यहाँ पर मेरे को ये सारे बोलने लग जाते कि भाई उसको स्मोक से इधर बुला ले इधर बुला ले। तो मैंने भी यही बोला बेटा आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, मैं उधर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अपनी पेटी बनवाने का कोई इरादा नहीं। कि इतने में बीच में मुझे बंदा दिख ही जाता है। तो खैर जैसे ही यहाँ पर इस बंदे को देखता हूँ तो इसको नॉकआउट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको रिवाइव देता हूँ। रिवाइव देने के बाद भाई मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ उसको ढूंढने के लिए कि उसकी पेटी बना सकूं, और भाई उसको ढूंढता रहता हूं पता नहीं मिलता ही नहीं है, लेकिन अंत में जाकर के वो मिल जाता है और उसकी पेटी बनाता हूं। और इतने में भाई पहाड़ी पे से ना मेरे को कोई भागता हुआ दिखता है। इतना डैमेज देने के बाद भी बच गया, लेकिन मैंने कहा कि भाई ऐसे कैसे। वो भाई क्या भाई तुम बहुत मार रहे हो भाई भाई। अब जैसे कि यहाँ पर सुन रहे हो कि भाई ये लोग यहाँ पर मेरे तारीफों के पुल बांधने लग गए और ये 3 नंबर मेरे से पूछने लग गए कि भाई आप भी यूट्यूबर हो क्या। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पर घास काटने आए भाई। खैर यहाँ पर मेरे को ऊपर की तरफ बंदा दिखता है, पहले वो देखो। अब जैसे ही बंदा दिखता तो मैं लेट करके फायर देने की कोशिश करता हूँ लेकिन यार एंगल नहीं मिल पाता, और एंगल एंगल के चक्कर में यहाँ पर ये बंदा छुप जाता है और इतने में रेड जोन भी आ जाता है। अब उसको थोड़ी मोड़ी तो गोली लगी लेकिन उसका ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। तो इसके बाद मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ लेता हूँ और एक नेड करता हूँ, और वो भी मेरे ऊपर एक नेड करता है लेकिन ना उसके नेड से मेरे को कुछ होता है ना मेरे नेड से उसको कुछ होता है। तो मैं खुले सांड की तरह सीधा आगे बढ़ लेता हूँ कि भाई जो होगा देख लेंगे। हाँ तो भाई हम कहा थे कि ये लोग मेरे तारीफों के पुल बांध रहे थे कि भाई तुम यहाँ पर कितना किल कर रहे हो कितना किल कर रहे हो। लेकिन यार मैं बताना चाहूंगा कि यार अभी तो नॉर्मल किल हुई है, अभी मुझे पता बंदे कम बचे हैं लेकिन भाई ज्यादा से ज्यादा बंदे मैं लपेटूंगा, और जब उसको लपेटूंगा तब ना कहेंगे कि भाई मतलब अब कुछ कॉन्फिडेंस अंदर से जागा कि भाई अब ज्यादा बंदे मारे तो अब तारीफ करो। खैर अगर अब मैं आगे की बात बताऊँ ना तो हम पुचंकी की तरफ जा रहे होते और वहाँ पर 2 बंदे कैंपिंग डाल के बैठे होते, और ये जो 3 नंबर होता है ना इसको इतनी जल्दी होती है कि चलती गाड़ी से कूद जाता है कि भाई किल तो मैं ही लेके रहूंगा। लेकिन भाई यहाँ पर इसके सभी बंदों को इतनी जल्दी थी तो उनके भी पेटी बन गए। अब ये भी अपने आपको फ्री फंड में निमंत्रण दे रहा था पेटी बनवाने को। देखो आगे अब भाई इसको कहते कि भाई आ बैल मुझे मार, भाई चलती गाड़ी से कूद गया, थोड़ा सबर कर ले यार। खैर मैं आगे की तरफ देखता हूँ। अब इतने में एक बंदा दिखता है। अब इतने में मुझे इसके दूसरे वाले बंदे के भी फुटस्टेप आ चुके थे तो मैं समझ चुका था कि भाई वो कहाँ पर बैठा, तो मैं वहाँ पर नेड करता हूँ। तो भाई जैसे कि यहाँ पर तुमने देखा कि भाई वो जो बंदा होता है वो शॉन द शीप वाले घर में छुपा हुआ होता है, तो वहाँ पर मैं नेड फेंकता और उसके सीधे चीथड़े उड़ जाता और यहाँ पर उसकी पेटी बन जाती है। अब यहाँ पर इन सभी को लूटते और लूटने के बाद यहाँ पर भाई फ्लेयर पड़ी होती है, उसमें से कुछ बंदूकें उठाता हूँ, बंदूकें नहीं गोली उठाता हूँ, और गोली उठाने के बाद भाई गटका गुटका की तरफ जोन बन रहा होता है तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक छपड़े पर चढ़ के भाई बहुत देर तक इंतजार करते रहता हूँ कि बंदे आएंगे आएंगे, पर बंदे आ ही नहीं रहे होते हैं। पर बहुत देर बाद आगे से एक गाड़ी आती है जिसमें 2 बंदे होते हैं और उसमें से मैं एक बंदे को इतना डैमेज देता हूँ लेकिन बस वो नॉकआउट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर मेरी किल टपा लेता है। अब आगे देखो तो ये गई मेरी एक किल फ्री फंड में। लेकिन नहीं भाई यहाँ पर मैं दूसरे वाले की किल नहीं जाने देता और उसके बाद मैं इसकी पेटी को लूटता हूँ और यहाँ पर मेरे पास मेरा पहला और दूसरा प्यार दोनों हो जाता है। दूसरा प्यार तो यहाँ पर मेरा ग्रोसा और भाई मेरा पहला प्यार यहाँ पर मेरा AWM है। तो मेरे दोनों प्यार को लेने के बाद मैं सीधा छपड़े के ऊपर चढ़ जाता हूँ और बहुत देर बाद इधर उधर देखने के बाद भाई AWM से मुझे एक नागिन दिखता है जो कि एक पत्थर के पीछे लेटा होता है, पता नहीं वो सपोला होता कि नागिन होता। तो भाई उसके यहाँ पर पेटी बनाते हो देखो कैसे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बंदे को पट से हेडशॉट देते हैं और इसके यहाँ पर पेटी बन जाती है। और यहाँ पर भाई हमारे भैया जो होते हैं 3 नंबर ओपी भाई पोपी भाई पता नहीं पप्पी ओपी कुछ करके ऐसे कर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसी छपड़े पे टिके होते हैं आगे की बात बताऊँ तो, क्योंकि यार इस छपड़े से जाके फायदा क्या था, जोन तो यहीं पर बन रहा था। तो बहुत देर तक इस छपड़े पे मंडराते आगे से गोली चलने की आवाज़ आती है और भाई फिर उसके बाद क्या था सुनो पहले तुम यहाँ पर ये। हेलो
अब जैसे कि यहाँ पर तुमने सुना कि भाई यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है और एक AWM भी चलने की आवाज़ आती है जो कि मेरा पहला प्यार है, तो मैं एकदम समझ जाता हूँ कि भाई आगे AWM भी है। तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ पर मेरे को दो बंदे दिखते हैं, उसके बाद कहता है देखो। अब एक गया और आगे की तरफ जाता हूँ और दूसरा भी दिखता है अचानक से, जिसके पास AWM थी या है। ओ भाई क्या क्या इतना मार रहे हो भाई, गलत है, बहुत किल कर रहे हो भाई, गलत बात है। यहाँ पर ये इसको मैं अपनी तारीफ समझू कि यहाँ पर मैं इसको क्या समझू, यहाँ पर भाई मैं इसकी उल्टा मदद कर रहा हूँ, इसको मुर्गी मुर्गी डिनर के करीब ले जाते वक्त, और इसको मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर भाई ये तारीफ भी कर रहा, तो यार ये कैसी तारीफ कर रहा है। खैर यहाँ पर भाई इसकी जो पेटी बनाते हैं उस पेटी में से मैं AWM को ले लेता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और आगे की तरफ एक गाड़ी दिखती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई बंदे आगे की तरफ तो ज़रूर है, पर मुझे मेरे पीछे की तरफ भी शक था कि भाई कोई ना कोई तो ज़रूर है, और भाई पीछे की तरफ मेरा शक सही निकला। एक बंदा मेरे को भाई साफ बना हुआ दिखता, वो भी हरे कलर का। तुम्हें भी देखना है ना, अच्छे से दिखा नहीं होगा, अब दिखेगा जरूर। भाई चलो सामने की तरफ पूछ कर। अब यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि यार ये बंदा ना मेरे को अच्छे से दिखा नहीं था, मेरे को इसके थोड़े मोड़े पैर दिख गए थे, तो मैं समझ गया था कि भैया यहाँ पर तो एक सपोला लेटा है, तो यहाँ पर सीधा पट से हेडशॉट दिया और उसके यहाँ पर पेटी बना दी, और इतने में ये जो 3 नंबर होता ना ये सीधा आगे की तरफ निकल जाता और अपनी मतलब पेटी बनवाने की तैयारी कर लेता फिर से जल्दबाजी। अब इसको कौन सी ट्रेन पकड़नी थी जो ये इतनी जल्दी आगे की तरफ निकल गया मुझे नहीं पता, लेकिन फिर देखो यार मैं कोशिश करता हूँ उसको बचाने की। अब जहां पर इस बंदे ने मार किया था वहां पर मैं ग्रोजा से फायरिंग देता हूँ कि भाई अगर तुक्का लग गया तो हो जाएगा मुर्गी मुर्गी डिनर, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता, तो इसके बाद मैं यहाँ पर नेड करता हूँ और भाई एक नेड तो मेरा ग्लिच भी हो जाता है, और ये बंदा बहुत ज्यादा चालाक होता भाई, वो भूसे के ढेर से खिसक करके कहीं और ही पहुंच जाता, चालाक बंदा था वे। तो गाइस जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा कि भाई 3 नंबर ने मार किया कि भाई वहां पर बंदा है, तो मैं समझ गया कि भाई ये बंदा पोजीशन चेंज कर चुका है, और मैंने फटाक से ग्रोसा निकाली और भाई मैं क्या ही बचा, यहाँ पर तुम मेरी एनर्जी लेवल देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल से बचा। तो यहाँ पर अगर भाई तुमको वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को जरूर के जरूर लाइक कर देना, और इसी के साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर अगर तुम वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई वीडियो को शेयर कर देना, और भाई क्या ही बताऊँ यार, सपोर्ट करो यहाँ पर, मजा आएगा, और कमेंट करना कि भाई कैसे लगी वीडियो। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टाटा सायोनारा। Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.